हाय भाई लोग, आज हम वीडियो लेकर आए हैं गोल्ड शॉट 309 की, और इसको जडेजा शॉट भी कहते हैं, गोल्ड शॉट जडेजा शॉट। और इस शॉट को हम बात करेंगे कि ये शॉट की टाइमिंग क्या है, पोजीशन क्या है, कितनी प्रैक्टिकलिटी है, और इसकी ओवरऑल रेटिंग, और आपको कैसे ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो शुरू करते हैं गोल्ड शॉट 309। सबसे पहले इसको शॉर्ट बुक के अंदर देखते हैं, और शॉर्ट बुक के अंदर इसको देखा जाए तो ये 4 PM का शॉट है, और मोस्ट प्रॉब्ली फ्रंट फुट का शॉट ये लगता है, और फ्रंट फुट शॉट ही ये सेट अच्छा लगेगा और बेस्ट लगेगा। बैक फुट पे आई डोंट थिंक सो कि ये इतना इफेक्टिव होगा। तो अब हम इसकी शॉर्ट मैप में बात करते हैं कि शॉर्ट मैप में आप इसको कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट मैप में अगर देखें तो आप 4 PM पे जाएं, और उसके बाद फ्रंट फुट पे आप इसको एडजस्ट करें, तो 309 जो है ये आपके पास आ जाएगा। और इसको हर किस्म के बैट्समैन खेलते हैं, गोल्ड शॉट है तो चाहे डिफेंसिव हो, रेडिकल हो, ब्रूट हो, बैलेंस्ड हो, हर किसी पे आप ये सेट कर सकते हैं। और 4 PM शॉट पे फ्रंट फुट पे इसको सेट करेंगे, बैक फुट पे और बहुत सारे शॉट्स हैं तो इसलिए हम इसको फ्रंट फुट पे सेट करेंगे। अब हम इसकी पोजीशन की बात करते हैं रियल टाइम मैच में। रियल टाइम मैच में अगर इसको देखा जाए तो आपने इसकी पोजीशन ऐसे बनानी है कि आपने एक स्टेप अवे रखना है बॉल के पिच होने से, और इम्पैक्ट आपने 2 स्टेप अवे रखना है, क्योंकि आप ये देखें ये शॉट जो है ये इस तरह हिट होता है कि बैट्समैन जो है मूव करता है अपने राइट की तरफ, अगर राइट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट है तो अपने लेफ्ट की तरफ मूव करता है। तो इसलिए आपने बड़े आसान ट्रिक है कि आप जहाँ बॉल पे जो रही है उससे आप एक स्टेप हट जाएं आउट, अगर ये ऑफ स्पिन है, बाहर हो रही है, और उसके बाद आपने इसको खेलना है, यानी 2 स्टेप का डिस्टेंस होना चाहिए आपके इम्पैक्ट से। और ये जो है 2 जो स्टेप है ये आपको इसलिए रखने हैं क्योंकि बैट्समैन मूव करता है। अब हम आपको दोबारा दिखाते हैं, ये हमारे बॉलर हैं, ये लेग स्पिन कर रहे हैं, हम एक स्टेप हट गए ताकि 2 स्टेप का इम्पैक्ट हो, और ये देखें इन्होंने बॉल पेच किया, हमारे बैट्समैन मूव किया, और ये देखें कनेक्ट हो गया। तो आपने 2 स्टेप का डिस्टेंस बनाना है बॉल के इम्पैक्ट से ताकि ईजी हो आपके लिए। अब हम आपको एक बॉल दिखा रहे हैं जिसके अंदर हमने 2 स्टेप का डिस्टेंस बनाया हुआ था, बट स्टिल जो है वो हमसे कनेक्ट नहीं हुआ। ऑल तो ये 2 स्टेप 1.5 डिस्टेंस था और ये कनेक्ट नहीं हो सका, इसके रीज़न ये था बॉल जो है वो इन हो गई थी ऑफ स्पिनर की। अब ये देखें यहाँ पे हमने एग्जैक्ट 2 स्टेप का डिस्टेंस बनाया हुआ है बॉल से, और ये देखें बॉल जो है हमने 2 स्टेप का डिस्टेंस था तो इसलिए ये कनेक्ट हुआ, और ये देखें 6 हो गया। तो आपने बॉल की वेरिएशन देखते हुए 2 स्टेप उससे रखने हैं। वो जो पिछली बॉल थी उससे हम 1.5 स्टेप रखा हुआ था, 2 स्टेप नहीं रखा था, इसलिए हमसे मिस हो गई। अब हम टाइमिंग की बात करते हैं, होप आपको पोजीशन समझ आ गई होगी। टाइमिंग इसकी जो है वो ना अर्ली है ना मीडियम है, अर्ली और मीडियम के बीच में। अब ये देखें बॉलर जो है हमें बॉल करा रहे हैं, और ये बॉल कराने से जब ये आधी पिच पे आई तो हमने बटन दबाया, और ये देखें कनेक्ट हो गया और ये 6 हो गया। तो इस शॉट की ये बात है कि आपने इसको अर्ली नहीं खेलना, लेट नहीं खेलना, अर्ली और मीडियम के बीच में खेलना है, और आपने बॉल के पेस को देखते हुए अपने आप को एडजस्ट करना है। अब ये देखें ये बॉलर है, ये हमें मीडियम पेस बॉल का बॉलर है और बॉल करा रहे हैं, तो हमने देखें बॉल का वेट किया, और जब बॉल आधी पिच पे आई तो हमने इसको कनेक्ट किया, और देखें कनेक्ट हो गया। नीचे प्रेस नाउ का बटन आ रहा है, आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि हमने एग्जैक्टली बटन कब दबाया। तो इसकी टाइमिंग ट्रिक ये कि अर्ली नहीं है, मीडियम भी नहीं, अर्ली और मीडियम के बीच में, बॉलर के हाथ से थोड़ी सी बॉल रिलीज हो जाए तो फिर आपने इसको बटन दबाना। आप ये देखें स्पिनर है, ये बॉल करा रहे हैं हमें, हमने वेट किया और अब बटन दबाया, और आप ये देखें कनेक्ट हो गया और ये 6 हो गया। तो इसकी टाइमिंग आपको प्रैक्टिस करने से आ जाएगी, और ये है कि बॉलर के हाथ से बॉल निकल जाए बॉलर को डिपेंड करते हुए, तो फिर आपने बटन दबाना। इस शॉट की लिमिटेशंस अगर मैं आपको बताऊं तो देखें ये शॉट फुल और यॉर्कर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर ये शॉर्ट बॉल होगी तो ये शॉर्ट बॉल पर बिल्कुल कनेक्ट नहीं होगा, और इसी तरह अगर शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ बॉल होगी, गुड लेंथ पे वाइड बॉल होगी, तो ये जब भी कनेक्ट नहीं होगा, इसको हम नहीं खेल सकते। ऑल दो इसके अंदर शॉर्ट बुक में नी हाइट पे लिखा हुआ था, वेस्ट हाइट पे नहीं, बट स्टिल जो है ये गुड लेंथ भी अगर वाइड बॉल हो जाए तो नहीं होता। अगर गुड लेंथ पे भी बॉल अगर जो है कटर है, यानी बॉल जो है बाउंस होगी, तो आप जो है इसको नहीं खेल सकेंगे। इसी तरह गुड लेंथ पे अगर इन कटर हो जाएगी तो जब भी आप इसे नहीं खेल पाएंगे, तो ये बॉल बाउंस पे एग्जैक्टली जो है नहीं वर्क करता। इवन स्पिनर भी अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट लेंथ कर दे वाइड बॉल, जब भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और ये इसको कनेक्ट नहीं कर पाते।
और इसके अलावा इसकी ये भी बात है इसकी शॉट की लिमिटेशन की कि गुड लेंथ पे अगर स्विंग ज़्यादा हो रही होगी तो जब भी आपको मिस हो सकती है बॉल बिकॉज आपके बैट्समैन मूव करते हैं। अब प्रैक्टिकलिटी इस शॉट की देख लेते हैं, और ये शॉट जो है फुल लेंथ के लिए भी परफेक्ट है, यॉर्कर के लिए भी आप इसे खेल सकते हैं। आपने जज करना है बॉल को और ये बिल्कुल कनेक्ट हो जाता है। ये मोस्ट प्रॉब्ली ऑफ के बाहर अगर आपको बॉल हो रही हो तो आप इस शॉट को बहुत इजीली खेल सकते हैं। और इस शॉट की प्रैक्टिकलिटी सबसे बेस्ट यही है कि आपको ऑफ के बाहर बॉल मिले तो आपने ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी और आपने बहुत इजीली जो है इस शॉट को कनेक्ट कर देना है और ये शॉट कनेक्ट हो जाता है। ये सबसे इसका प्रैक्टिकल सिनेरियो है। इसके अलावा इसके और प्रैक्टिकलिटी के जो मामलात हैं उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि बॉल जो है एग्जैक्टली पिच कहाँ हो रही है। अगर बॉल जो है वो पिच होगी आपके बैट के करीब तो आपने स्टेप आपने बनाना है डिस्टेंस और आपने इसको कनेक्ट करना है तो ये कनेक्ट हो सकता है। इसकी प्रैक्टिकलिटी का इशू ये है कि आपको मूवमेंट कम से कम करनी पड़े, तो जब आप मूवमेंट कम से कम करेंगे तो वो ईजीली आप जो है इस शॉट को खेल सकते हैं। अभी देखें इन्होंने मैं बिल्कुल ही लेग पे की, ऑल दो हमने इसको कनेक्ट कर तो दिया पर ये डिफ़िकल्टी बहुत है। अगर आपको बिल्कुल लेग पे कोई बॉल फेंक दे यॉर्कर तो आपने इतनी जल्दी मूव करना हो तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है और ये इसकी प्रैक्टिकलिटी शॉट को काफ़ी डिफ़िकल्ट बना देती है। अब ये देखें स्पिनर ने हमें बॉल की, हमने फिर भी स्पेस बनाया बट स्टिल ये स्पेस जो था वो काफ़ी नहीं था और हमसे बॉल मिस हो गई और हम जो है बोल्ड हो गए। इसी तरह अगर आपको लेग के पास जो है बॉलर जो है फुल लेंथ करता है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इतने कम टाइम में एडजस्ट करना, तो ये काफ़ी प्रैक्टिकलिटी के शॉट के इश्यूज़ हैं। ऑल दो जो आपको बॉल करते हैं फ्लिपर उस पर ये कनेक्ट हो सकता है क्योंकि फ्लिपर में बाउंस नहीं होता तो ये शॉट फ्लिपर पे खेल सकते हैं बट आपको बहुत शोर होना पड़ेगा, अगर लेग स्पिन हुई तो वो कनेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इस शॉट को आप ड्रिफ्टर और जो वेरिएशंस आ गए हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है इस शॉट को खेलना। अगर आपको लेग के बाहर वो बॉल करे या लेग स्टंप पे करे तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपने उस टाइम में मूव करना और ये प्रैक्टिकली बिल्कुल अफेक्टिव नहीं रहता। कंक्लूजन में बात करूँ तो ये शॉट जो है फुल लेंथ के लिए अच्छा है, यॉर्कर्स के लिए भी अगर आप श्योर हों कि एग्जैक्टली ये कहाँ जो है बॉल पिच होगी तो फिर आप इसको खेल सकते हैं, पर काफ़ी ज़्यादा रिस्की है और इसी पोजीशन पे बहुत सारे शॉट्स हैं, गोल्ड शॉट 226, रूट का 175 जो कि इससे कहीं अच्छा परफॉर्म करते हैं। ओवरऑल रेटिंग की अगर बात की जाए इस शॉट की तो मैं इस शॉट को रेटिंग दूंगा क्योंकि ये फुल लेंथ पे और यॉर्कर्स पे उठ जाता है, बट क्योंकि आपने इतनी मूवमेंट करनी है और इसके कंपटीशन में बहुत अच्छे शॉट्स हैं 226 और ब्रूट का फ्री 175 तो मैं इसकी जो रेटिंग है वो 7/10 दूंगा। और काफ़ी मैंने सोचा इस बारे में बट स्टिल ये मेरे शॉट मैप के अंदर नहीं आ सका क्योंकि दूसरे गोल शॉट जो हैं वो इससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं इसी पोजीशन पे 4 PM पे 226 और ब्रूट का 175, तो ये गोल शॉट जो है मेरे शॉट मैप पे नहीं आ सका। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। सो टेक केयर गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अपना ख्याल रखें।